हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्कॉलर में। बेटा, मैं आज आपके लिए नाउन का एक दूसरा रूल लेके आया हूँ, जिसमें कि मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताऊंगा कि इनका कब आपको प्लूरल बनाना और कब प्लूरल नहीं बनाना है। जैसे समझिएगा कि पहले तो थोड़ा सा नंबर की जानकारी ले लें कि जो हमारे डेफिनेट नंबर होते हैं वो हमारे होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, ये सारे हमारे डेफिनेट नंबर माने जाएंगे। और इनडेफिनिट में आपके आ जाएंगे जैसे कि मैनी, शम और सेवरल, ये इनडेफिनिट नंबर में आएंगे। और रूल क्या कहता है समझिएगा कि कुछ वर्ड होते हैं जैसे कि पेयर, स्कोर, डजन, एकर, 100,000, लाख, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन भी ऐड कर सकते हैं। रूल कहता है कि अगर इन शब्दों के पहले आपका कोई डेफिनिट नंबर दिया गया हो, डेफिनिट नंबर कहने का मतलब कि 1, 2, 3 ऐसा कुछ, तो आप इनके बाद कभी भी एस या ईएस का यूज नहीं करते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया कि आई गॉट 2 pairs ऑफ शूज, तो बेटा इस टाइप का जैसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि आई गॉट 2 pairs ऑफ, तो आपने देखा कि इसमें पेयर वर्ड दिया गया था और पेयर के पहले 2 यानी कि एक डेफिनेट नंबर दिया गया था, तो इसके बाद हम पेयर्स ना लिखकर उसको पेयर लिखेंगे तो सेंटेंस राइट माना जाएगा। और सेम रूल होता है कि अगर इनके पहले कोई इनडेफिनिट नंबर दिया जाए तो आप एस या एस, एस या एस का यूज करते हैं। जैसे आपको दिया जाए कि मैनी लैक्स रुपीज, तो ये राइट होता है आपका, क्योंकि लैक्स जो है उसके पहले जो है इनडेफिनिट नंबर आएगा, तो मैनी लैक्स बिल्कुल राइट माना जाएगा। समझ में आया होगा, ये गलत हो गया थोड़ा।